के दौरान बहुत बेहतर तरीके से दिखाने समझाने की कोशिश कांग्रेस कर चुकी है। जनता क्या तय करती है इसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर इंदौर से आ रही है जहां पर एक होटल में भीषण आग लग गई। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विजयनगर की होटल में आग लगी है। कई लोगों के होटल में फंसे होने की आशंका जाहिर की गई। अब तक बड़ी खबर इंदौर से जहां पर एक होटल में भीषण आग लग गई। विजयनगर सबसे पॉश इलाका और यहां पर एक होटल में, ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से होटल पूरी तरह से जल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही कई आशंकाएं खड़ी कर देती हैं, कहीं कोई अंदर फंसा ना हो। अब तक जो जानकारी मिल पाई है कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। ये होटल की तस्वीर है, आग किस तरह से लगी है ये भी अपने आप में एक सवाल है। हालांकि एक पॉश इलाका है लिहाजा यहां पर मदद पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। अगर कोई अंदर फंसा होगा तो उसकी क्या तस्वीर हो सकती है या फिर क्या हालत हो सकती है, आप अंदाजा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंदर कोई ना हो, समय रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया हो। ये तस्वीरें इस वक्त की भी स्क्रीन पर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से सामने आ रही है जहां पर एक होटल में आग लग गई है। विजयनगर के होटल में आग लगी है जहां पर कई लोगों के होटल के अंदर ही फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। फौरी तौर पर राहत की कोशिश, उस राहत की कोशिश के दरमियान ये भी है कि वहां पर वाटर टैंकर पहुंच चुके हैं, आग पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग अभी बेकाबू है। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या तस्वीर अब वहां से निकलकर सामने आ रही है? सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, धू धू कर ये होटल जल रहा है और अगर अंदर कोई होगा तो जाहिर तौर पर मुश्किलात काफी बढ़ जाएंगी। देखिए, निश्चित रूप से आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है और काफी मशक्कत के बाद जो है कोशिश की जा रही है कि आग को काबू में किया जा सके, क्योंकि जिस तर्ज पर आग विकराल रूप ले चुकी है उसको देखते हुए बहुत एहतियात के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। आग इतनी ज्यादा भीषण है कि अंदर घुसा नहीं जा पा रहा है और ये पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। और इस तर्ज पर यहाँ आसपास का माहौल है, पूरा रिहायशी इलाका है, आग तेजी से दूसरी बिल्डिंगों को अपनी गिरफ्त में ना ले इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर है, फॉर्म और पानी की मदद से आग बुझाने आ रही है, लेकिन इसके अभी तक सामान्य नहीं हो पाई और ये भी जानकारी नहीं। कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पर आदित्य मौजूद है? क्योंकि विजयनगर का जो इलाका है वो जाहिर तौर पर रिहायशी इलाकों में से गिना जाता है और उसके आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, और अगर ये आग वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है, उसके लिए क्या किया जा रहा है वहां पर? देखिए, उसके लिए आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं, आसपास की रिहायशी बिल्डिंग को खाली कराया गया ताकि आग अगर फैलती है तो किसी और जगह पे नुकसान ना हो। करीब 3 से 4 गाड़ियां दमकल के अभी यहां पर पानी डाल रही है और फॉर्म की मदद से बुझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस का बल भी मौके पर है जो भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहा ताकि आग अगर दूसरी इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले तो उस सूरत में उन्हें बचाया जा सके, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि अंदर ये पता लगाया जा सके कितने लोग अंदर अभी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि एक बेहद बेहद भीषण हादसा जो है ये देखा जा सकता है। आप तस्वीरें खुद बयां कर रही कितना ज्यादा भयावह हादसा जो है इस वक्त हुआ है। जी आदित्य, बहुत जरूरी हो जाता है कि इस आग पर समय रहते काबू पा लिया जाए, लेकिन जरूरी ये भी है कि अंदर अगर लोग फंसे हुए तो उन्हें पहले प्राथमिकता के साथ बाहर निकाला जाए। क्या रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का? क्या खबर मिल पाई कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? उसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, बहुत से लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल रूप के सीधे रूप से काबू पाना बहुत मुश्किल है और एकदम अंदर जाना भी जो दमकल कर्मी है उनके चुनौती बन गया है। तो सभी हालात को देखते हुए पता लगाने की कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाया जाए, उसके पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी नहीं हुआ है, लोग हताहत हुए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिसकी गिरफ्त में काफी लोग आए हैं और काफी बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले उन लोगों को बचाए जो मौजूद हो सकते हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि या कोई बच्चे, महिला या कोई और लोग तो नहीं है जो इस आग जने की चपेट में आए हैं। तो फिलहाल जो है रेस्क्यू को पुरजोर करने की प्रबल कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के दमकल के साथ अन्य विभाग का अमला यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। आदित्य बने रही हमारे साथ, हमारे पास दो तस्वीर आ गई, पहले अपने दर्शकों को वो दिखा देते। पहली तस्वीर फ्रंट से तस्वीर ली गई है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग पूरी तरह से
होटल को अपने चपेट में ले चुकी है। दूसरी तस्वीर, तस्वीर नंबर दो, जिसमें कि आंख की भयावहता आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये दूसरे एंगल की तस्वीर है, ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। लेकिन आदित्य, जो तस्वीर अभी तक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये फ्रंट होटल के फ्रंट की तस्वीर है, यानी कि सामने सामने आग लगी है। पीछे की आंख कितनी लगी है, उसका आकलन क्या अभी तक हो पाया है, किस तरीके से वहां पर पहुंचने की कोशिशें की जा रही है? देखिए, बिल्कुल चारों तरफ से आग को पकड़ने की और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अंदर कितने लोग हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिस तरफ पर आप आगे आग को फैला हुआ देख रहे हैं, पीछे की तरफ भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं, जिस पर जो है लगातार दमकल की गाड़ियां और जो दमकल कर्मी है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी आग को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पैमाने पर जो है इसको नियंत्रण करा जाए, और उसके बाद अंदर घुसकर इस आग जलने के बाद ये पता लगा जैसे कि कितने लोग हताहत इस पूरे मामले हुए। लेकिन बहुत भीड़ भरा रिहायशी इलाका है और इंदौर के सबसे पॉश इलाकों में इस शुमार होता है, और इस इलाके में जो आप देख सकते हैं होटल के में भी जो है बड़े शोरूम है और बहुत बड़े पैमाने पर एक आबादी यहाँ पर रहती है। और जैसा कि सर्वज्ञात है कि आसपास में जो जिस तरह से आग फैली है और जिस तरह से इस आग ने विकराल रूप लिया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर इंटरनल शॉर्ट आसपास की बिल्डिंग में भी हो सकता है। फिलहाल एहतियातन यहाँ की बिजली बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का और शॉर्ट सर्किट या करंट फैलने का खतरा खत्म हो। पानी लगातार इस पर डाला जा रहा है, फॉर्म डाला जा रहा है, और हर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि शुरुआती दौर में इसको नियंत्रण किया जा सके। यह पता लगाने की जा रही है बगल की आसपास की जो इमारतें हैं उनके क्या हाल है, और उसमें कुछ लोग उसमें ना आते होगी। इस दौरान जो धुआं निकलता है काफी जहरीला होता है और इसकी चपेट में भी काफी लोग आते हैं। तो फिलहाल लोग बड़े पैमाने पर हताहत हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी जनहानि की बात सामने नहीं आई है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये समझना आदित्य ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब चूंकि होटल था तो जाहिर तौर पर अंदर सिलेंडर भी होंगे, कमर्शियल सिलेंडर होंगे और दूसरी ऐसे अप्लायंस होंगे जिसमें की आग बहुत जोरों से पकड़ सकती है। बहरहाल ये तस्वीर एक और दूसरे एंगल से हम आपको दिखाते हैं, जहां पर बगल में आप देख सकते हैं कि मॉल्स हैं और सामने उस होटल में आग लग रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखेंगे तो ये अंदाजा बहुत आसानी से लगा लेंगे कि आग तो यहाँ शुरुआती दौर में वक्त रहते अगर कदम उठाए गए होते तो शायद आग ये तस्वीर आग के सामने नहीं आती, जितना भयावह चेहरा आग का सामने नहीं आता इस होटल को लेकर, क्योंकि आग पूरी तरह से होटल को अपनी चपेट में ले चुकी है और फिलहाल यहां पर कोशिश की जा रही है कि आग को पूरी तरह से काबू में किया जाए। फिलहाल ये मुश्किल भी नजर आ रहा है। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। आदित्य, विजयनगर के इलाके में कई सारी मेन रोड्स भी हैं और जाहिर तौर पर ये जो होटल की तस्वीर सामने आ रही है, सड़क से यहाँ पर काफी चीजें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ रहा होगा? निश्चित रूप से, देखिए जो भी कोई वहां से गुजर रहा है और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है तो काफी लोग जो इमारत और उस इमारत से सटे आसपास की इमारतों में काम करते हैं या वहां काम करने पहुंचते हैं उनके परिजन चिंतित हैं, देखी गई है तो आसपास के लोग भी परेशान हैं। और जो जैसे खबर लग रही है जो पड़ोस के लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, सड़क से गुजरने वाला ट्रैफिक वहां रोक दिया गया है, लोग लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, और जिनके अपने अंदर फंसे हो सकते हैं वो वहां पर व्यतीत है, चिंतित है कि वो कैसे उनको बाहर निकालें, कैसे रेस्क्यू करें। और इस सबके बीच जो है दमकल की भी ये प्राथमिकता है कि कैसे भी सबसे पहले फेज के अंदर ये पता लगा जा सके कि कोई व्यक्ति अंदर ना हो, कोई महिला, कोई पुरुष या कोई बच्चा अंदर ना फंसा हो। तो ये बहुत बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है यहाँ पर, और चूंकि सबसे पॉश इलाकों में गिनती होती है चौराहे की और सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं घनी बस्ती वाला इलाका इसे कहा जाता है, तो ये प्राथमिकता और बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे वक्त पर इस आग को काबू पाना और इस आग के साथ जो है सकुशल निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त दमकल के साथ में है। क्योंकि आग जब फैलती है ने कहा कि लगातार उसमें सिलेंडर हो सकते हैं, तमाम तरह के और भी ऐसे होते हैं, जैसे कि होटल है तो उसमें जो फॉर्म्स के गत्ते होते हैं वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं और बहुत तेजी से पकड़ते हैं। तो ये तमाम चुनौतियां एक होटल होने के डर के लगी रहती। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल आदित्य, बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट तमाम जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तीन तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर, तस्वीर नंबर एक, आप देख सकते हैं किस तरीके से आग अपने छोटे स्वरूप में है। ये दूसरा एंगल की तस्वीर है जहां पर आग ने पूरी तरह से होटल को अपनी चपेट में ले लिया है। दूसरी तस्वीर ये फ्रंट की तस्वीर है, ये वो सामने की तस्वीर है जो विजयनगर चौराहे से जुड़ती है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होटल इस आग से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसमें आप ये भी देख पाएंगे कि वाटर कैन वहां पर मौजूद है जिससे कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में भी जो सबसे बड़ी चीज नजर आ रही है फायर ब्रिगेड की, वो गाड़ी नहीं है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि चार गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ये तस्वीर जब वीडियो में आप देख पा रहे हैं
ये साफ पता चल रहा है कि आग होटल के साइट से धीरे धीरे विकराल रूप की ओर बढ़ रही है, लेकिन उस दौरान उस दरमियान कोई खास कदम नहीं उठाया जाता है। शायद उस वक्त भी ये आग भयावह रूप ले चुकी है, इस पर काबू पाना शायद किसी आम व्यक्ति के बस की बात है नहीं, लेकिन अगर वक्त रहते वहां पर कोई चीज पहुंची होती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची होती, तो शायद इस तस्वीर को पहले की दो तस्वीरों में आने से पहले रोक लिया गया होता। तीसरी तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि उस तीसरी तस्वीर के बाद ये दोनों तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहली और दूसरी, जिसमें कि ये साफ हो जाता है कि आग कितनी भयावह रूप ले चुकी है, किस तरीके से अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसके साथ कितनी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंदर कोई ना हो, होटल है क्योंकि, और कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो सकते हैं जो बहुत तेजी से आग पकड़ लें, गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर वहां पर हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए बहुत जल्दबाजी से बहुत फौरी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। तीन तस्वीरें इस वक्त भी स्क्रीन पर आपके सामने, इंदौर के विजयनगर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक होटल में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी है और कैसे इस पर काबू पाया जाएगा, ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर कोई मौजूद है, आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई हो। कोशिश यही है, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को निकाला जाए वहां से बाहर। चंद मिनटों पहले की यह तस्वीर है, हमारे सहयोगी आंखों देखा हाल आपको बता रहे थे, उन्होंने बताया कि वहां पर कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अमला क्या कदम उठा रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस होटल से चंद कदमों की दूरी पर विजयनगर थाना भी मौजूद है, और थाने में जाहिर तौर पर पुलिसकर्मी होंगे, उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली होगी, तो फौरी तौर पर कदम भी उठाए गए होंगे, इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में ये बड़ी तस्वीरें, बड़ी आग जिसने पूरी तरह से होटल को अपनी चपेट में ले लिया है। चिंता की बात यह भी है कि इससे लगे हुए कई सारे दूसरे ऐसे शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, जिसमें अगर आग लगती है या फिर आग पकड़ती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं, काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और तस्वीरें तो आपके सामने ही है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कारें और पार्किंग वहां पर की गई है, और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लोगों की आवाजाही कितनी होगी। हालांकि सुबह 9 से 10 बजे तक की ये तस्वीरें हैं, मॉल्स खुले नहीं थे और तमाम दूसरी जगहों पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में अभी लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, और उससे पहले यह तस्वीर सामने आ गई। बहरहाल होटल्स के अंदर लोग मौजूद रहे होंगे क्योंकि होटल है, और लिहाजा लोग जो बाहर से आते हैं वो भी अंदर मौजूद होंगे, कर्मचारी होटल्स के मौजूद होंगे। क्या समय रहते सभी वहां से एस्केप हो गए हैं, रेस्क्यू कर लिए गए हैं, ये एक सवाल है। लेकिन अगर रेस्क्यू नहीं किए गए तो अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट न्यूज़ स्टेट आपको देता रहेगा।